आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त होने वाले पोस्टल ऑर्डर शुल्क के रूप में जो प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि हमारे पास पोस्टल ऑर्डर ना हो तो हम लोग कैसे आरटीआई में नॉन जुडिशियली स्टाम्प का प्रयोग करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, यह पोस्टल ऑर्डर है। कभी कभी हमारे डाकघरों में यह सौ समय उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम लोग इंडियन नॉन जुडिशियली स्टाम्प का प्रयोग कर सकते हैं या ई स्टाम्प है। मैंने ऑनलाइन इसे लाया था और इसका प्रयोग आरटीआई में किया था, तो आज जानेंगे हम लोग नॉन जुडिशियली स्टाम्प का प्रयोग आरटीआई में कैसे करेंगे। चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे इस तरह की उपयोगी वीडियो आप लोगों को शीघ्र मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि पोस्टल ऑर्डर ना मिले तो हम लोग नॉन जुडिशियली स्टाम्प का प्रयोग आरटीआई में कैसे करेंगे। यह ऑनलाइन नॉन जुडिशियली स्टाम्प है, 10 रुपये का, आप लोग देख लीजिए 10 रुपये है। लेकिन पैसे वाला जो पुराना स्टाम्प आता है 10 रुपये का, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने यह आयुक्त कार्यालय कमिश्नर ऑफिस में इसका प्रयोग किया था। आप लोग देख रहे हैं, लोक सूचना पदाधिकारी कोसी आयुक्त, आयुक्त कार्यालय कोसी प्रमंडल सहरसा में मैंने इसका उपयोग किया था। जब आप स्टाम्प लेंगे तो आप स्टाम्प में भी इस तरह लिख देंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैं आयुक्त कार्यालय कोसी प्रमंडल, जो भी संबंधित कार्यालय हो आप लोगों का, जहां आरटीआई आप लोग लगा रहे हैं वहां का नाम लिख देंगे, के लोक सूचना पदाधिकारी के नाम से शुल्क के रूप में मैं 10 रुपये का इस स्टाम्प का उपयोग कर रहा हूँ या इस स्टाम्प को दे रहा हूँ या यह स्टाम्प का प्रयोग करना चाहता हूँ। अपना हस्ताक्षर कर देंगे, डेट दे देंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि जब पोस्टल ऑर्डर ना मिले तो आप लोग निसंदेह नॉन जुडिशियली स्टाम्प का प्रयोग शुल्क के रूप में आरटीआई में कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवश्य करें तथा इसकी जानकारी आप लोग अवश्य रखें, जिससे आप लोग आरटीआई में ससमय सूचना मांग सके या अपील कर सके। जय हिंद।